So hey guys, welcome back to the vlog day 2 of Dubai. And जिस नोट पे मेरा पिछला व्लॉग खत्म हुआ था, आप देख सकते हैं कुछ लोग 15 घंटे से सो रहे हैं एंड स्टिल काउंटिंग. ऐसा कौन सा हल जोता है इन्होंने पूरे दिन, जो कि मेरे को और किसी को नहीं पता, बाकी के 7 लोगों को जो आए हैं इनके साथ, 15 घंटे से सो रहे हैं, 8 बजे से सो रहे हैं और अभी कितना बज रहा है, 10:15 हो रहा है, 10:15 हो रहा है, 10:15 हो रहा है गाइस. तो अभी सीन ऐसा है कि मैं तो सो के उठ गया हूँ, बाकी लोग और जल्दी सो के उठ गए थे एंड वो लोग नाश्ता वाश्ता एंड ऑल करके आ गए हैं. आज हम लोगों का प्लान है कि हम लोग अपना होटल चेंज करेंगे, वील गो टू एड्रेस दुबई मॉल होटल, पता नहीं तो, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे डेजर्ट सफारी के लिए. आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन डेजर्ट सफारी, लेकिन दोस्तों के साथ करने में मज़ा आता है, मैं ऑलरेडी करा हुआ हूँ. हम लोग 4 एक्टिविटी होती है डेजर्ट सफारी में. एक तो ड्यून बैशिंग, जो कि गाड़ी से होती है एंड एवरीथिंग, और फिर हम लोगों का एक वो है जो बाइक राइड होती है, 4 व्हील, वो जो उसमें होती है सैंड में होती है वो, बेली डांस एंड फायर शो होता है एंड कैमल राइड होता है. तो मेरी कल रात में थक से बात हो रही थी, तो हम लोग इसमें से 2 चीज़ करेंगे, एक तो हमारा ड्यून बैशिंग और स्कूटर वूटर चलाना एंड वील बी बैक. और हम लोग क्योंकि दुबई मॉल के ऊपर ही हम लोगों का होटल है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा दुबई मॉल में घूमेंगे. तो ये आज का हम लोगों का प्लान है. लेट्स सी हाउ इट गोज़, लेट्स सी इफ़ इट गोज़ वेल और नॉट. एंड वहीं रास्ते से हबीबी ड्रेस भी लेंगे, शायद हम 5-6-8 लोग जितने भी हैं सब हबीबी बन के घूमेंगे. मुझे लगता है 7 ही लोग जा पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो सोते ही रहेंगे, अभी भी सो ही रहे हैं और जानबूझ के सो रहे हैं, है ना. रुको, यहाँ पानी है, पानी डाल देता हूँ इनके ऊपर, लेकर आ रहा हूँ पानी. नहीं, पानी डाल देता हूँ, पानी डाल ही देता हूँ, है ना. उठ 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 गया 2 मिनट में, उठ गया 2 मिनट में, 15 घंटे से नहीं उठ पा रहा, 2 मिनट में उठेगा. है चाय? अरे राजकुमार है भाई, तुमने अभी ऑर्डर किया ना. हाँ तो कॉफी करिए, आ रही है. सुबह सुबह का ये प्यारा सा व्यू और ये वो जगह है जहाँ पे कल हम लोग चिलिंग कर रहे थे पूल के अंदर सब लोग, सेम उसी जगह पे, और वहीं पर लाइफ गार्ड भी थे. सो यस, अटलांटिस एंड एवरीथिंग बहुत बहुत मस्त है, वर्थ है. फैमिली फैमिली वाली जगह है ये, वन स्टॉप है. आप आओ होटल में रुको, आप अम्यूजमेंट पार्क जाओ एंड एवरीथिंग, अंदर कैफेज एंड ऑल भी हैं. तो वन स्टॉप है फॉर पीपल टू कम चिल हियर, थोड़ा सा दुबई एक्सप्लोर करें एंड वापस दुबई से चले जाएँ. सो फॉर दैट अटलांटिस इज़ रियली गुड. सो गाइस ऑलरेडी ऑल सेट, दिखाऊंगा नहीं कि अभी क्या पहने हुए हैं, बस मतलब दिख ही गया. चलो खैर, इन्होंने तो, इनका तो दिख ही गया, इनको 15 घंटे बाद उठे हैं ये और इनको अब भूख लग रही है, टाइम से उठ जाता तो खाना पीना मिल जाता. सिड भाई एज ऑलवेज रेडी स्टेडी एंड गो एंड हिम ऑलवेज लेट. ऑलवेज से एरो के निकला है बैकवर्ड्स का. तू तो वापस चला जा इंडिया बोल रहा है. मेरा ये वाला चश्मा जो है थक के रूम में, तो हम लोग इसको ले आते हैं, उसके बाद हम लोग ऑल सेट एंड पैक हो जाएंगे. तो अभी चलते हैं एंड थक के रूम से वो ले आते हैं. थक्का रूम भी दिखा दूंगा मैं, खतरनाक. ये रेगा का बेल्ट होगा, थक्का रूम दिखाते हैं गाइस. डबल 2 बेडरूम सुइट है, मस्त सा. ये तुम संतरे क्यों छील रहे हो? संतरे क्यों छील रहे हो? संतरे क्यों छील रहे हो? सुबह सुबह संतरे, फ्रूट्स खाना चाहिए. तू लाया तो है अच्छे खासे कपड़े, बोल रहा था लाया नहीं है. क्या पजामा कल वाला है, इतने गंदे से हैं, टी शर्ट नहीं लिया बस. नहीं लिया? आह वेरी गुड, नाइस नाइस. सो गाइस ये देख लो, 2 बेडरूम पूरा. उधर भी एक बेडरूम था, जो रूम दिखाया पीछे वो इस तरफ से जा रहा था. दिस इज़ द सिटिंग एरिया, दिस इज़ द बालकनी अटैच्ड विद इट, खतरनाक बिल्कुल.
एंड रूम इतना खास नहीं है, प्रॉपर्टी का ही जो है क्या कहते हैं व्यू था, तो अभी हम लोग अपना वो उठा लेते हैं एंड दिस इज इट। कम बेबी, अबे रास्ते में वो गिर गया मेरा कपड़ा। कपड़ा कहाँ है? मामे घूम रहे हैं। कपड़ा किधर गया इसका बेचारे का? अरे वो तो मिल जाएगा। सो गाइस बाय बाय टू दिस लवली व्यू एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड एड्रेस मॉल दुबई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चश्मा नहीं लाया तुम कोई? ये इनकी पैकिंग है, इनकी पैकिंग भी इनकी मम्मी करती हैं। गरीब की बात नहीं है गाइस, काम चोर आदमी है ये, इस वजह से क्योंकि ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं, दैट्स व्हाई। बेकार आदमी है, जिम्मेदार नहीं खोल पा रहा। मैं बता रहा हूँ ना, इट्स नॉट कि वो खोल नहीं पा रहा है, इट्स अबाउट कि वो मेहनत उतना डालना नहीं चाहता। अब ये खुलेगा यहाँ वहाँ गिरेगा, वो क्या बोलेगा मेरे को? वो ये बोलेगा कि तू बोल देगा जो मेरे को समझ भी नहीं आएगा, फिर खामा का बेइज्जती हम दोनों की होगी। तो ये तू ये बताना चाह रहा है ब्लॉग में कि तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, आज उनका गाइस हम लोग तो नीचे आ गए बट थक लोगों ने धोखा दे दिया, हमें लगा कि वो लोग नीचे ऑलरेडी आ गए बट वो लोग अभी भी अपने रूम में है पता नहीं क्यों, जबकि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे थे, सामान वामान भी उन लोगों ने अपना भिजवा दिया था, हम लोग जल्दी जल्दी में आ गए। उनका रूम सन्नाटा सा लग रहा था बाहर से, हमें लगा कि चेकआउट करके निकल गए वो लोग रूम, बट अभी हम लोग नीचे हैं एंड हम लोग यहाँ पे शतरंज की टेबल पे हैं। मैं रेगा को आता नहीं था तो मैंने कुछ कुछ सिखाया, तो रेगा इट्स योर टेस्ट टेस्ट, ये बताओ ये कैसे चलता है, ये कैसे चलता है वो? हाँ सीधा चलता है। कैसे सीधा चलता है? सीधा कैसे? सीधा ऐसे ही तो तूने कहा था, ये इधर या इधर चलेगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही है, इस डायरेक्शन में सीधा या इस डायरेक्शन में? ये कैसे चलता है? ढाई ढाई कैसे? सोचो यहाँ पे कैसे ढाई ढाई चलता है? वेरी गुड, एंड बस वही लेफ्ट राइट। हाँ यहाँ पे है तो यहाँ से भी 1 2 2.5, ठीक है ना? ये कौन है? तो किंग है। किंग है, ये कैसे चलता है? एक चलता है ऐसे ऐसे, है ना? ये कौन, ये कैसे चलता है? ये डायगनल, डायगनल चलता है ये ऐसे। अब अगर ब्लैक पे है, ब्लैक पे है तो ब्लैक डायगनल हाँ। ऐसे चलेगा, तभी जाएगा। ये कौन है? ये एक से भी चलता है ना? नहीं नहीं, ये है, ये भी कितने भी चल सकता है। हाँ ये क्वीन है। हाँ ये क्वीन है, ये क्वीन है, ये भी जा सकते हैं, ये लेफ्ट, ये ऐसे, ये इसकी भी, ये इसकी और इसकी चाल चलती है। हाँ बस घोड़े की, हाँ घोड़े की नहीं चलती बस यही है। और भी ये छोटे छोटे स्टार्टिंग क्वीन, मतलब ऐसा किधर भी जाती है, और ये जो किंग है ना वैसे उसके पीछे पीछे लगा रहता है। और फिर अपनी स्टोरी नहीं बता रहे, बोला है एसिड भाई। अरे मैं अपने, लेकिन बहुत दिमाग चाहिए होता है प्ले बनाने के लिए। वो एक क्वीन का है, क्वीन ये बैठी है, दो दो क्वीन है। हाँ तो ओपोनेंट की भी तो होगी ना, पहले किंग बहुत होती है, ऐसा नहीं है, क्वींस बहुत होती है बट किंग कितने? मैं एक के पीछे नहीं तो किंग भाई, ये लोग अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस घुसड़ रहे हैं, मैं तो चेस से बाहर हूँ। होटल में चेक इन करने के लिए थक भाई वहाँ पे काम नाम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एंड हमेशा की तरह, एंड हम सारे फ्री के खाने वाले लोग पल ऐसे बैठे हैं। देखो सारे सबकी चाल एक ही है, देख रहे हो? मैंने भी मेहनत का, ये देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये थोड़ा सा मेहनत करने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल ही नल्ले पाव जो होते हैं, नल्ले पाव जो होते हैं बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं, एंड मैं वो हूँ जो मेहनत करता रहता हूँ, सीज द मोमेंट, कैप्चर द मोमेंट, ये सारा चीज़ है, समझ रहे हो? तो अभी जाएंगे, आई एम वेरी एक्साइटेड, पता नहीं यहाँ का रूम कैसा होगा। पापा ने मेरे को स्पेशली मैसेज किया, डोंट डू स्काई डाइविंग दिस टाइम, योर लाइफ इज प्रेशियस टू द फैमिली। बहुत ही खतरनाक ये मैसेज मेरे को गया। क्या बोले वो घर वाले? क्या बोले वो? मत करना तुम मोटे हो, कह देते ना कि अरे उसका टेंशन मत लिए मुझे, वो खुद नहीं करने देंगे। हाँ मैं बोला कि स्काई डाइव वाले। थैंक यू, जबान जल रही है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं, कोई टेस्ट नहीं, लाइक है भी नहीं। थैंक यू, कैन आई हैव अ डेट? खजूर, खजूर खाता है? खजूर खा के खजूर ट्राई कर ब्रो, मेरे मेरे बोलने पे ट्राई कर, बेकार आदमी यार। इन छोटा सा क्यूट सा रूम। तो गाइस
द छोटा सा अपना टेरेस एंड द व्यू टू द सिटी भयंकर गाइस द सेक्सी मिरर एंड बाथटब जिसमें मैं अभी रेगा को लेके बैठ जाऊंगा लेट होगे मेरे साथ वहां पे मैं अभी लेट जाएंगे यो व्हाट द फक सो गाइस अभी हम लोग रूम में आए तो मेरा ब्लॉग चल रहा था इसका मतलब पहले से चल रहा था थैंक यू इसका मतलब जो है यहाँ के लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं गाइस थोड़ा सा हाई रेट पे चल रहा है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है अपना ब्लॉग लग तो रहे यार सैप एक्सी सुन जरा मामा आप कितनी बार ट्रिप पे गए मेरे को तो वीडियो कॉल नहीं करी आप उसका वीडियो कॉल आया हुआ था कि निकलने वाले हो क्या बाय बाय कर लो ठीक है एक पॉइंट और जब आपने मेरे कंधे पे सॉरी जब मैंने आपके कंधे पे सर रखा था छिड़की हुए भाई लड़कों के लिए नहीं है वो कंधा चेक कृतिका के सर पे क्राउन आ रहा था देख सो गाइस फाइनली मूविंग टुवर्ड्स डेजर्ट सफारी और इस कार में मैं रेगा सिड भाई मवी हम सब लोग हैं एंड दूसरी वाली गाड़ी में थग एंड हिज फ्रेंड्स हैं और मवी तो शायद कर चुका है डेजर्ट सफारी पूरी की पूरी कर चुका है ना कर चुका है और मैंने भी किया हुआ है इट विल बी समथिंग न्यू फॉर रेगा एंड सिड भाई का नहीं पता मुझे सिड भाई आप तो दुबई आ चुके हैं आप डन इट इन मस्कत भी नहीं किया फॉर मी हूं थक के लिए भी नहीं हुआ थक के लिए भी नहीं हुआ है तो मेरे को पसंद नहीं है बट कलर अच्छा लग रहा है क्या वो राइट में खड़ी है नहीं पैसे पसंद नहीं है बट कलर मेरे को सिक लग कलर सिक लग रहा है तुम्हें ठीक है तो सारा बॉयज अल हबीबी बनेगा ठीक है अल हबीबी बॉयज तुम भी लेगा क्यों नहीं लेगा बिल्कुल लेगा लेगा ना अल हबीबी बनेगा मवी तुम नहीं लेगा अबे क्या यार आउट ऑफ वो लगेगा बे सब हम सब ले बिल्कुल आउट वन आउट लगेगा सब लोग ले रहे हैं कितने का भी हो कैसे आदमी है यार गरीब आदमी है गरीब सोच की बात सीधा हम लोग यहाँ पे आए हैं बग्गी का बात कर लिया है एंड अब हबीबी बनने के लिए फुल तैयार हबीबी आएंगे हम इन 3 2 1 जल्दी तुम भी रेडी हो जाओ अभी बिल्कुल बिल्कुल सड़ाओ मत इफ यू डोंट शेक यू नॉट शेक यस आई नो दैट्स व्हाई आई एम शेकिंग यस इसी दिन के लिए तो मैंने जूता लिया फाइनली मुझे ग्रीन कलर का एक तो बिल्कुल पानी में कूदने को तैयार कागल दे सकते हैं को हंसो मत मेरे को पहनना पड़ेगा मामा बहुत ढीला है क्या मैं बोल रहा हूँ देखो पतला सा ढीला लग रहा है हमें भाई ढीला होता है तभी लोगों को गर्मी नहीं लगती इसमें तुम ज्यादा सोच रहा है पता है इसमें कोई तुम्हें डिजाइनर नहीं देगा क्योंकि पहली बार देख रहा है इसमें चौंटी है साड़ी पहने का पहली बार तो भी हम हंसेगा सो ऑल हबीबीज सेट एंड रेडी बिल्कुल चलने को तैयार पार्टनी भी बिल्कुल इन द बिल्कुल अवतार में आ गया है सब लोग आ गए हैं अवतार में खतरनाक अब जो है फील आ रहा है यहाँ वी आर इन दुबई हबीबी हसरतें पूरी कर ली है लड़कों ने मैंने नहीं चलाया क्योंकि मैं पहले चला चुका मैंने सोचा निमेश को मिल जाए वो मौका मवी हैज़ बीन अ बैड 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 बॉय नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स ऐसा ड्रिफ्टिंग और ओवरटेकिंग चल रहा है उसका और ये भी ऑन द अदर साइड फट गई
हमारा कुर्ता फंसे जा रहा है बे। मावी का डिक्की तो कल के मेरे ब्लॉग में दिखा है, पूरा लटक रहा है बाहर, लेजी रिवर में से निकले हैं। वो तैन वो देखो वहाँ पे पानी मिलेगा हमें, चलो दिख के आते हैं। वहाँ पे एक लौता दो चार पेड़ है, नहीं लौता तो नहीं, दूर दूर भी है। रेडियो रेडियो ड्राइव नहीं अभी तक चला है, मैंने भी नहीं चला। मैं सोचा कि पिछली बार मैंने चला लिया था, एनिमेशन चला लेगा, खुश हो जाएगा, छोटा बेबी है ना वो। गाइस मामा ने बोला रिकॉर्ड कर, हाँ। So guys, अब हम लोग जा रहे हैं ड्यून बैशिंग बोलते हैं क्या भाई साहब इसको? जी इसको ड्यून बैशिंग बोलते हैं। ये बारिश हुई है गाइस यहाँ पे, ये मतलब टैंकर ला के बस गिरा दिया गया है पानी, ताकि लोगों को लगे बारिश वारिश होती है। टोपी वोपी उड़ गया अभी, एक बार ऊ कर दियो, ऊ एक बार, ठीक है। That's all for the day. बहुत ज़्यादा tired. अभी अभी dinner किया है and अंदर सब लोग हा हा ही and everything. Obviously can't record personal बातें, personal moments and everything. सारे दोस्त आठ लोग अपने मिलके हैं and तो बस I hope आप लोगों को आज के vlog में मज़ा आया होगा. मेरे को तो obviously बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैंने ऑलरेडी किया हुआ था बट क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा इन लोगों के साथ था, दोस्तों के साथ हर एक एक्सपीरियंस ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई होप यू गाइज ऑल्सो एन्जॉयड इट, हम लोगों के साथ यही सफ़र जो आप लोग घर बैठ के देख रहे हो, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. सो जाना, लाइक करना एंड कॉमेंट करना प्लीज़, एक मिनट भी नहीं लगता है उसमें एक प्यारा सा कमेंट छोड़ने में, एंड दैट विल मेक माई वर्ल्ड. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल लविंग द व्लॉग्स ये दुबई डायरीज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ये बहुत बड़ा हेल्प होगा, बहुत अच्छा लगेगा. सो मिलते हैं गाइस कल. कल हमारा भी बहुत अच्छा प्लान है, कल शायद हम लोग शॉपिंग स्प्री पे जा रहे हैं, जिसमें मैं सिर्फ एक स्पेक्टेटर रहूँगा. एक जूता लेना है बस मुझे, जो मेरे दिमाग में, जो गोल्ड डिवाइन ने प्लॉट कर दिया मेरे दिमाग में, तो वो मैं हंट करूँगा और जाके देखूँगा. मिलते हैं गाइस कल के व्लॉग में. अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, अनलिमिटेड. मिलते हैं कल, अंटिल देन टेक केयर गाइज़.